Hey beautiful, I am up with a new video. I hope you guys like this. So yeah, title से पता चल ही गया होगा ये किसके बारे में है. It's about ta-da! Oh my god, I am so happy to receive this. Like, I was just waiting for this so badly. And you know, before starting the review of sugar lipsticks, मैं बता दूँ, I have not put up any lipstick right now. बस एक lip balm है, baby lips, and that's it. And I'll also tell my, like, right now, whatever thing I've applied up, this is the very crazy and lovely mascara I've got. Like, I'll just show you if you can see. Can you see the hyper curl? Like, super. I'm just in love with this mascara. This is from Maybelline New York Hyper Curl. But this one is washable. मुझे waterproof, like, इसमें waterproof वाले में ज़्यादा you know, difference नहीं है, like, पैसों के मामले में उतना ही है. This is also of 350. नहीं, this is of 310. Yeah, this is of 310 and that is of 350 something. मतलब ज़्यादा कुछ difference नहीं है. The only thing is, वो waterproof है और ये waterproof नहीं है. मैंने बहुत सारे waterproof mascaras try किए and just trust me with it. Oh my god, it's such a headache to remove it. और headache तो अलग, ऊपर से painful. See. तो you know, eyelashes बचते ही नहीं हैं. वो तो अलग ही इशू हो जाता है उसका. सो आई प्रेफर, मतलब फिलहाल से आई एम इन टू दिस मस्कारा जो वाटरप्रूफ नहीं है. आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक इट आउट. लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये वीडियोस के दौरान एंड ऑल इतना ज़्यादा जान पे आता ना हर एक, मतलब पूरा यू कैन नॉट यू नो डू द होल मेकअप थिंग, बिल्कुल भी नहीं होता है. क्योंकि पहले ही मुझे वीडियोस बनाते बनाते बहुत देर हो जाती है. एंड देन उसके ऊपर से यू हैव टू डू दैट मेकअप, फिर मेकअप निकालो, फिर ख़त्म करो वीडियो, फिर उसको एडिट करो. इसलिए यू नो आई ओनली प्रेफर, मेरा ऑल टाइम डूइंग मेकअप इज यू नो फोकसिंग इट अपॉन माई आईज, माई मस्कारा एंड माई ब्राउज, दैट्स इट. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर यू नो योर एक्सेसरीज डज ऑल द रेस्ट ऑफ योर जॉब. Yeah, that's it. So now we just jump into the video. So guys, this is the packaging of what I received. Yeah, so it says sugar rule the world, one look at a time. Okay. Yeah. So this is the thing. And और एक चीज़ जो मुझे रिसीव हुआ है, दैट इज़ दिस. इट्स अ शीट मास्क जो मुझे फ्री मिला है शॉपिंग पे, शायद आपको भी मिल सकता है. सो यू नो जस्ट गो एंड बाय क्विकली दिस वन. सो या वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस नाउ. इट सेज शुगर फोर मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स, absolute matte, leaves no trace, long lasting. So let's just see. Wow, beautiful. It's so cute. Yeah, so I'll just show you one by one. The first one is number 14, Peak Mystic. I'll just show you. Beautiful shade. Very, very pretty. ये थोड़ा pomegranate color जैसा है. Very nice. Yeah. So as you can see, it's not completely red, okay? It represents its darker side. जैसे मैंने कहा, pomegranate color जैसा है थोड़ा. Like within 5 to 6 seconds, it has just you know dried up completely and matte हो गया है बिल्कुल. I'll just show you this thing.
कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग एट ऑल. फिर आप चाहे पानी पियो, खाना खाओ, सुबह से लेकर तो शाम तक ये पक्का रहेगा, रहेगा मतलब रहेगा. आई हैव लिटरली जस्ट टेस्टेड इट एंड ट्रस्ट मी, ये रहेगा. एंड नाउ लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, ये इतना ज़्यादा यू नो पिगमेंटेड है, अभी इसको निकालने के लिए भी नो यू नीड वैसलिन सॉल्यूशंस लाइक दिस, बिकॉज ये पानी से या ऐसे ही यू नो बस एक टिश्यू से या ऐसे ही नहीं निकलेगा. यू विल नीड बेबी ऑयल और समथिंग लाइक दिस. रिमेंबर वन थिंग, आपको इसे सीधा बेयर लिप्स पे नहीं लगाना है. यू फर्स्ट हैव टू पुट अप योर, नहीं मिल रहा, या यू फर्स्ट हैव टू पुट अप समथिंग लाइक यू नो लिप मॉइस्चराइजर या समथिंग लाइक दिस एंड देन ओनली अप्लाई. क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपके लिप्स जो है वो थोड़े आपको मतलब एक बार आपने मेकअप निकाल लिया तो फिर ऐसे थोड़ा ड्राइड अप फील होगा. सो ट्राई टेकिंग केयर ऑफ योर लिप्स. द नेक्स्ट वन इज फायरी बेरी. ऐसे ऐसे नाम रखे हैं ना इन लोग ने. दिस वन इज वेरी ब्यूटिफुल, लाइक वेरी 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 ब्यूटिफुल. ये वाला इससे थोड़ा थोड़ा सा कम लाइट है और ये वाला थोड़ा सा डार्क है बट रेड नहीं है. ओके जस्ट लुक एट दिस. इट्स वेरी प्रिटी. लाइक मैं हमेशा से ही सिर्फ पिंक्स में रही हूँ, पिंक ऑरेंज या फिर बस, और कोई मुझे याद भी नहीं आ रहा. क्योंकि मैंने लाइक ऑनेस्टली मैंने कभी रेड लिपस्टिक भी कभी भी नहीं पुट ऑन किया था. लाइक लास्ट ईयर से ही यू नो आई मस्ट हैव स्टार्टेड अप्लाइंग रेड लिपस्टिक्स, अदरवाइज आई हैव ओनली बीन इनटू पिंक्स एंड ऑरेंज, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं. बट आफ्टर ट्राइंग दिस it's very pretty. Like mama used to always tell that you know dark lipsticks look very pretty, but I used to be not you know very comfortable wearing dark lipsticks or dark shades upon my complexion ya fir my skin tone. But no, like isse try karne ke baad to I'll definitely you know try this one out, like bahar logo ke samne. सच्ची में अच्छा है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जाके खरीद लो जल्दी जल्दी. सो द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज द स्कारलेट स्टारलेट. बहुत ही प्यारा नाम रखा है एंड दिस इज द रेड शेड. इट्स वेरी प्रिटी, कैन यू सी. Nothing at all, nothing. And now last but not the least, my very 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 favorite, Dose of Rose. This one is my really 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 personal favorite. You can definitely try it on. It is the shade number 38, Dose of Rose. And as I previously told you, like I am always into pinks, nudes, so you know this one is the cutest. You can just see how beautiful and how pretty it is. Yeah, I just love it. And what I personally do is outer pe ye laga ke bas itne wale mein I put on red and just give it a dab. Like iske alawa nothing can be much more sexier and prettier. That I need to show you the
test. Yeah. And yeah, that's it. So guys, I will provide the link in description box below. अगर आपको ये पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए. ये इट्स ओनली 3 to 4 ml की ये बॉटल्स है एंड इट्स वेरी टाइनी. लाइक दीज आर द मिनी कलेक्शन वंस. जस्ट लुक एट दिस, इतने छोटू है ये. एंड इट्स ग्लास पैकेजिंग, सो वेरी क्यूट, टाइनी लिटल. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट ऑन. And that's it for today. Thank you for watching this video. Give it a big thumbs up if you liked it. Please do comment down below. आपको कौन सा वाला shade ज़्यादा पसंद आया? So yeah, this was my review, and I hope you guys enjoyed it. Do follow me on Instagram for more such content. And up till then, take care of yourself. Bye.